पिछले 76 साल में आप अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए, आप ये नहीं कन्विंस कर पाए यूएन को कि आपने पाकिस्तान जीता है, आप नहीं बता पाए कि आपने किससे जीता है, आप तो फेल है, आपने पाकिस्तान भीख के कटोरे में लिया है और यही तय है। तो क्यों नेशन छूरी थी ना, हजारों लाखों हिंदुओं को मार डालने के लिए, स्लॉटर करने के लिए, जिसमें महंत और संत भी थे। और 4 दिन पहले उन्होंने इलेक्शन जीता था और उन्होंने ऐलान या माइक पर कहा था इंदिरा गांधी जी ने कि हिंदू नहीं होते तो फिर से मुझे मैं सरकार नहीं बना पाती, हिंदू नहीं होते तो मैं जीत नहीं पाती। और उसके 4 दिन के बाद हिंदू स्लॉटर उन्होंने करवाया और खास करके संत और महंत को उन्होंने मरवाया कि हम जाना नहीं चाह रहे हैं, हमको भारत ले जा रहा है। पर बात तो ऐसी नहीं है ना, बात तो ऐसी नहीं है। पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, खुद वो आना चाह रहे हैं, खुद हमसे जुड़ करके अटैच हो जाना चाह रहे हैं। देख, जिन्ना ने कश्मीर भीख कटोरे में लिया, आज वो कश्मीर फाका कशी में है, आज वो कश्मीर, आज वो पूरा पाकिस्तान फाका कशी में। आज आप लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, आपके यहाँ चावल नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपके सरकार अगर कुछ गलत करती है आप बोल नहीं सकते हैं, आपके पाकिस्तान आर्मी को धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हैं, आपके पाकिस्तान के जो आप जो कह रही है कि कश्मीर जो है वो आजाद वर्ड आपने इस्तेमाल किया है कि वो आपके उर्दू में आता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अमेरिका का सपोर्ट आपके साथ था, जब यूएई का सपोर्ट आपके साथ था, जब एक वक्त था कि पाकिस्तान जात पे और पात पे फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे, और पार्टी ले आया राहुल गांधी फुटपाथ पे, कि अमित शाह जी जो हैं उन्होंने बात की है लोकसभा के अंदर दोबारा से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जिनको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, 2 बिल उन्होंने जी पेश किए। लेकिन सबसे जो अहम चीज थी जिसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई वो ये थी कि 24 सीट जो है जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली के लिए उसमें आपने पाकिस्तान के कश्मीर के लिए रिजर्व कर दी हैं। और बार बार उनका ये कहना है कि पीओके हमारा है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा है। और एक दफा फिर 2024 के इलेक्शन का आगाज हो रहा है इंडिया के अंदर और पीओके को दोबारा से लोकसभा के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, ये तमाम सवालात आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, इंडिया ने हमेशा ये कहा कि हम जंग करने वालों में से नहीं है, हम अमन वाली बात करते हैं, तो पीओके को लेके इतनी एग्रेसिव पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है और पीओके को बार बार लोकसभा के अंदर क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या पाकिस्तान, आगे आगे देख होता है क्या पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमेशा ये बात कही है और मैं नाज़िया इलाही खान भी ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत अमन पसंद वाले लोग हैं। ठीक है, हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला है, हमने पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके ऐसी तो बात नहीं कही है, हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला। ये चैम्बर मेरा है तो मुझे आपसे अनुमति लेने की तो जरूरत नहीं है इसको अपना बोलने के लिए। लेकिन जब भी कश्मीर की नाज़िया इलाही खान एक औरत है तो क्या मैं अपने आप को बोलूंगी फीमेल नाज़िया इलाही खान? तो जब पीओके अगर पाकिस्तान का है तो आप आजाद कश्मीर क्यों बोलती हैं? क्या बात है, क्यों बोलती हैं आजाद कश्मीर कैसे? आपके यहाँ लाहौर और कराची को आपने इतना खूबसूरत तो बनाने की पूरी कोशिश की, पर आज तक कश्मीर को विधवा क्यों छोड़ दिया पीओके को? आज तक कश्मीर में कोई तरक्की क्यों नहीं हुई? आज तक कश्मीर की माँ बहनें प्रेगनेंसी के हालात में बच्चा समेत मर क्यों जाती हैं? इतने बड़े बड़े पॉट होल्स, इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों छोड़ रखे हैं? आजाद कश्मीर को क्यों आजाद नहीं किया, क्यों तरक्की याफ्ता नहीं किया? अब जब हमारे भारत के कश्मीर को देख करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले जब खून के आंसू रो रहे हैं, जब उनको मलाल आ रहा है और कभी कारगिल खोलने की बात आ रही है और कभी ये कहने की बात आ रही है कि हमें पाकिस्तानी बोलो ही मत, हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपने तो उनको विधवा छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको लावारिस छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको एकदम बेबहरा छोड़ ही दिया है, आपकी तो कोई चिंता नहीं है। आजाद कश्मीर कहां से आजाद कश्मीर? पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई कश्मीर
भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। मुझे याद है, मैं तो शायद अब जन्म भी नहीं हुआ था मेरा, हमारे लता मंगेशकर जी ने एक गाना लिखा था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं आज लता मंगेशकर जी को याद दिलाना चाहती हूँ, भगवान उनको स्वर्ग नसीब करे। तो फिर भगत सिंह की मृत्यु को हम क्या कहेंगे, रानी लक्ष्मीबाई जी को क्या कहेंगे, मंगल पांडे जी को क्या कहेंगे, और ऐसे जितने भी, चंद्रशेखर आजाद जी को क्या कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहेंगे, विनायक दामोदर को क्या कहेंगे हम, इतने सारे लाखों लाख जो फ्रीडम फाइटर्स जो जिनकी मृत्यु हो गई इसी आजादी के लिए, तो बिना खड़क बिना ढाल कैसे आजादी मिल गई। बहुत खून बही है, बहुत बहुत खून की नदियां बही है तब जाकर के आजादी मिली है, और आपको कोई आजादी नहीं मिली है, आपने गांधी और नेहरू के तलवे में जिन्ना ने बटर लगा करके, मक्खन लगा करके, तेवर दिखा करके, उंगली दिखा करके, उनको उनको बहला फुसला करके, गांधी और नेहरू को आपने कश्मीर भीख के कटोरे में आपके जिन्ना ने ले लिया जिन्ना ने कश्मीर भीख के कटोरे में लिया। आज वो कश्मीर पाका कशी में है, आज वो कश्मीर, आज वो पूरा पाकिस्तान पाका कशी में। आज आप लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, आपके यहाँ चावल नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपकी सरकार अगर कुछ गलत करती है आप बोल नहीं सकते हैं, आपके यहाँ अगर बलात्कार होता है महिलाएं खड़े नहीं हो सकती हैं, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है, आपके यहाँ कानून नहीं है, आपने संविधान बस ऐसे ही लिख दिया है। क्या क्या लिखा था आप लोगों ने, हर सिर्फ मुसलमान पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गरीबों के हाथ में थी शाही, ऐसे ऐसे में उठा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही, और नारे तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा ले लिया सरे मैदान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान, तेरा एहसान। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह बचा ले पीओके को, लेकिन देखिए पाकिस्तान, अगर जैसे हम कश्मीर की बात करें, आपने कहा उनको आजाद क्यों कहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी शुरू से और किताबों की अगर हम बात करें तो यही रही है कि जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है वो लोग इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन जो इंडिया के पास है उनके पास राइट्स नहीं है, और इसी के लिए आपको पता है चार जंगें भी हुई हैं, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी 1971 के नाम पे, कभी कारगिल के नाम पे ही होती रही है। और ये कश्मीर ही मेरे ख्याल से एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए हैं। आज जब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को लेके, क्राइसिस को लेके, आईएमएफ प्रोग्राम चल रही है, थोड़ा वीक हो गया है, और दूसरी जानिब जो हमारा हमसाया मुल्क है, जैसे आप इंडिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो एक दफा फिर से क्या जंग के लिए आमने सामने होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस तरफ है और इंडियन आर्मी उस तरफ है, तो ये पीओके का क्या सीन है, और इलेक्शन के दौरान ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा क्यों की जा रही है पाकिस्तान से, मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए हमारे भारत में एक पीएम था भारत का कांग्रेस की सरकार में, ठीक है, जो बेनजीर भुट्टो के दलाल और पपेट यासिन मलिक के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचवाता था और अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझता था, और एक भारत का प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 15 अगस्त और दिवाली में देश की सेना के साथ जाकर के शाना बशाना खड़ा होता है, और देश की सेना के साथ 15 अगस्त और दिवाली मनाना ही अपने लिए और अपने भारत के कर्तव्यों के का पालन करता है। 1952 से लेकर के 2018 तक भारतीयों के दिल में एक सपना था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा लहराया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, और जम्मू कश्मीर की बेटियों से लेकर के हर एक व्यक्ति सुकून से रात में चैन की नींद सोए। भारत के प्रधानमंत्री ने यह सपना पूरा किया, लाल चौक में झंडा भी लहराया गया तिरंगा, लाल चौक में हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया, लाल चौक में भारत के जीतने पर, क्रिकेट मैच जीतने पर वहां पर दिवाली नुमा एक फेस्टिवल भी मनाया गया, और हर एक कास्ट के लोगों को उनके उनके धर्मों का पालन करने की पूरी आजादी और छूट दी गई। कश्मीर डेवलप कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर तरक्की कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर
इम्प्रूव हो रहा है, डेवलपमेंट डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, वहां के लोग सुकून से और चैन से सो रहे हैं, और 370 हटने से पहले जितने भी मर्दों के हाथ में तलवार और गन बंदूक और पत्थर हुआ करता था, आज बच्चों के उन्हीं बच्चों के हाथ में आज किताबें होती हैं, वही बेटियां जो अपनी इज्जत को बचाने के गर्ज से अंधेरों में छुप करके बैठी होती थी, आज पंख लगा करके उड़ रही हैं। आज वही कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल पावर को देख करके जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कैमरा के सामने और पाकिस्तानी यूट्यूबर कैमरा के सामने और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के सामने ये खड़े होकर के नारा लगाते हैं कि हमें पाकिस्तानी पाकिस्तानी मत बोलो और हमें पाकिस्तान से मत जोड़ो, तो फिर आपका यह सवाल तो शोभा ही नहीं दे रहा है शैला जी। आपके पाकिस्तान आर्मी को धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हैं, आपके पाकिस्तान के जो आप जो कह रही है कि कश्मीर जो है वो आजाद वर्ड आपने इस्तेमाल किया है कि वो आपके उर्दू में आता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अमेरिका का सपोर्ट आपके साथ था, जब यूएई का सपोर्ट आपके साथ था, जब एक वक्त था कि पाकिस्तान के कहने पर ही हर एक देश अपनी अपनी बातों को रखता था और मानता था, तब आपने आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज क्यों नहीं किया, तब आपने आजाद कश्मीर में उन्नति क्यों नहीं लाई। आज आप इकोनॉमिकल क्राइसिस पर हैं, पिछले 8-9 साल से एक तरफ भारत में कांग्रेस के हाथ में भीख का कटोरा आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा आया, ये दो दो चीज दो लोग एक साथ भीख मांगने के लिए रोड पर आए हैं। क्या वजह है कि 1989 में अब्दुल्ला फैमिली ने तमाम कश्मीरी पंडित से उनकी जमीन और जायदाद छीन ली और उनको ही हमारे जम्मू कश्मीर से बेबहरा कर दिया। क्या बात है अब्दुल्ला फैमिली ने 1965 के वॉर में जब मुख्यमंत्री हुए कश्मीर, बलवंत रॉय का नाम आज भी अब्दुल्ला फैमिली ने कश्मीरियों को लेने नहीं दिया। जो कश्मीर पंडितों का था, जो जम्मू और कश्मीर जो पंडितों का था और उनके पास एकड़ एकड़ जमीन थी, उनकी जमीनों को कब्जा अब्दुल्ला फैमिली ने किया और उनको बेबहरा कर दिया। क्या बात है क्या यासीन मलिक बेनजीर भुट्टो के कहने पर कश्मीरी पंडितों को बीच से चीर दिया करता था? क्या बात है कि बेनजीर भुट्टो पीओके में आकर के मस्जिदों से ऐलान करती थी कि लश्करे तैयबा और यासीन मलिक मेरी दलाली के गर्ज में और पैसों के लालच में पूरे पूरे जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद कर डालो और पंडितों से कहो कि फला फला तारीख में कश्मीर जम्मू कश्मीर को छोड़ दे, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा और अरबों खरबों और मिलियन की प्रॉपर्टी को छोड़ करके अपनी जान महज बचाने के लिए कश्मीरी पंडित कभी 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 हिमाचल में जाकर बस गए, कभी हैदराबाद में जाकर बस गए, कभी दिल्ली में जाकर बस गए और कभी तेलंगाना में जाकर बस गए, क्यों कभी जयपुर में जाकर बस गए, क्यों क्यों क्या वजह है? आर्टिकल के बाद आज भी मौजूदा सरकार में अब क्योंकि मौजूदा सरकार में अब्दुल्ला फैमिली जैसा चमचा पाकिस्तान काकड़ को कड़कड़ा कड़कड़ा कर मिल नहीं रहा है, अब क्योंकि यासीन मलिक जैसा देशद्रोही, यासीन मलिक जैसा टेररिस्ट का हेल्प मदद पाकिस्तान को मिल नहीं रहा है, अब क्योंकि पाकिस्तान अजमल कसब नहीं भेज पा रहा है, अब क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मस्जिदों से पाकिस्तान के काकड़ कड़कड़ा करके कोई ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को कैसे तबाह और बर्बाद करना है, इसलिए तकलीफ हो रही है, इसलिए बुरा लग रहा है, नहीं हो पाएगा। ये मोदी की सरकार है, यहाँ नहीं हो पाएगा। मुझे याद है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत में हिंदुओं पर अत्याचार कोई पहली घटना नहीं है। 1966 में इंदिरा गांधी ने ऑर्डर किया था हजारों लाखों हिंदुओं को मार डालने के लिए, स्लॉटर करने के लिए, जिसमें महंत और संत भी थे, और 4 दिन पहले उन्होंने इलेक्शन जीता था और उन्होंने ऐलान या माइक पर कहा था इंदिरा गांधी जी ने कि हिंदू नहीं होते तो फिर से मुझे मैं सरकार नहीं बना पाती, हिंदू नहीं होते तो मैं जीत नहीं पाती, और उसके 4 दिन के बाद हिंदू स्लॉटर उन्होंने करवाया और खास करके संत और महंत को उन्होंने मरवाया। 1947 में आजादी के वक्त जब हजारों लाखों की तादाद में हिंदू समाज, हिंदू समुदाय के लोग और सिख समाज और सिख समुदाय के लोगों ने
कड़कती हुई कड़कड़ाती हुई दिल्ली की सर्दी में कई मस्जिदों में आश्रय लिया था, कई मस्जिदों में अपने सर को छुपाया था और बच्चों की जान बचाई थी सर्दी से। तो हमारे गांधी जी, फादर ऑफ नेशन बापू जी, वो धरना पे बैठ गए थे हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, और उन्होंने जिद पकड़ ली, कि ऐसी कड़कड़ाती हुई सर्दी में, दिल्ली की सर्दी में और ऐसे ऐसे आलम में और रिमझिम बरसात में, जहां पर लोगों की बीमारी से जाने जा रही थी, सर्दी से जाने जा रही थी, और आज भी दिल्ली की सर्दी मशहूर है तो उस वक्त तो और भी मशहूर थी, और उन्होंने मजबूर किया था गांधी जी ने हिंदुओं, हिंदू समाज के लोगों को और सिख समाज के लोगों को मस्जिदों से निकल जाने के लिए, और वहां से ही उन्होंने एक करवाहट बोई और एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, और हिंदुओं पर अत्याचार को उन्होंने कहीं ना कहीं अग्नि में घी डाला कि लो करो मुसलमानों हिंदुओं पर अत्याचार। और वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमने देखा इस बार इलेक्शन में, जब राहुल गांधी जी बैठे बड़े मुख बन करके, बड़ा चेहरा बन करके, तो उन्होंने भी ओबीसी और मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने की पूरी कोशिश कर डाली, और उन्होंने सिर्फ समाज, सिर्फ समुदाय, सिर्फ वोटर्स, सिर्फ व्यक्ति, सिर्फ इंसान से नहीं, बल्कि उन्होंने पत्रकारों से भी पूछ डाला। राहुल गांधी जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग हैं, उन्होंने पत्रकारों से भी पूछ डाला, तुम ओबीसी हो, तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम डोम हो, तुम क्षेत्री हो, तुम ब्राह्मण हो, राहुल गांधी ने यह भी पूछ डाला। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी और पूरा गांधी परिवार एक स्लोगन लगाता था, जात पे ना पाप पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद फिर मंडल कमीशन में बैठ करके, उस मीटिंग में बैठ करके राजीव गांधी जी ने स्लोगन लगाया था, जात पे ना पाप पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा गांधी जी की बात पर। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी जब आए तो उन्होंने नेहरू और बापू जी को इतना फॉलो किया, कि धर्मों को बांटने की राजनीति उन्होंने फिर से दोहराई, और उन्होंने कहा जात पे और पात पे फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे, और पार्टी ले आया राहुल गांधी फुटपाथ पे। एक और नारा लगाते थे 1990 के दशक की बात है, 1990 के दशक की बात है, कि एक और नारा गांधी परिवार से और बापू जी लगाया करते थे, नेहरू जी लगाया करते थे, सारे भारत से नाता है हमें सरकार चलाना आता है। ये लीजिए मुल्क पार्टी मोहल्ले की पार्टी हो गई है, और 2024 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री के जीतने के बाद और तीसरी बार ओथ लेने के बाद राहुल गांधी का तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो ही रहा है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कांग्रेस मुक्त भारत अभियान तो जनता ने चला दिया, मैं पूछना चाहती हूँ कि 1950 में कश्मीरी पंडितों को, जब हजारों कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला जा रहा था बेनजीर भुट्टो के कहने पर, बेनजीर भुट्टो के इशारे पर, बेनजीर भुट्टो के पैसे पर, बेनजीर भुट्टो के जिहादी टेररिस्ट के जरिए से, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार नींद की गोली खाकर सो रही थी। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? नेहरू जी के पत्र को उठा करके अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में पढ़ा है, और जिसमें नेहरू जी ये लिख करके कह रहे हैं, कि दो ऐसे ब्लंडर मिस्टेक नेहरू जी से हुए हैं जिसका परिणाम आने वाले भारत के वासियों को भुगतना पड़ेगा और शायद इतिहास के पन्नों को उठा भी दिया जाएगा। तो वही तो बोला अमित शाह जी ने, जो नेहरू जी ने अपने पत्र में लिखा था, और उस पत्र को पढ़ा है उन्होंने, एक सीज फायर और दूसरा यूएन में लेके चले गए कश्मीर के मामले को, मैंने उनकी स्पीच सुनी। लेकिन एक चीज यहाँ पर सवाल आता है कि पाकिस्तान ने इंडियन साइड के कश्मीर को हासिल करने के लिए जंगों का चुनाव किया, और इसके साथ साथ बहुत सी जहादी तंजीमें वहां पर एक्टिव रही, लाल चौक स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा टारगेटेड एरिया रहा, लेकिन इंडिया पॉलिटिकली पाकिस्तानी कश्मीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि उनको जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के अंदर 24 सीट्स दे रही हैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये 24 सीट्स खाली रहेंगी या फिर पीओके की तरफ से कोई उम्मीदवार आएंगे, ये जरा बताएं मुझे। अच्छा, आप मुझे पहले आप ये बताएं कि हमारी सेना पीओके में एंटर कर चुकी है क्या? नहीं ना? हाँ नहीं, हमने कोई वॉर छेड़ा है क्या, या कोई अल्टीमेटम या गैजेट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को गया है? नहीं ना, हमने कोई वॉर के माध्यम से खून की नदियां बहाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस इतना दिखा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कितना डेवलप कर चुका है, कितना इम्प्रूव कर चुका है,
और आपके आजाद कश्मीर, आपका नहीं मतलब कब्जा किया हुआ, ऑक्यूपाई किया हुआ इलीगली आजाद कश्मीर के लोग खुद ही नारा लगाने लगे कि हमें पाकिस्तान से मत जोड़ो, हमें पाकिस्तान से जुड़ना नहीं है। देखिए, जब पसमानदा मुसलमानों की बात उठाई थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने स्पीच के माध्यम से, तो कई मुसलमानों को, अभी आप ही मुझे कह रही थी कि कई मुसलमानों को टिकट दे दिया और वो कई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए और विधानसभा में भी चले गए। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बंधन करने की बात उठाई तो उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास करवा दिया 33 वुमेन रिजर्वेशन बिल। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये आवाज उठाई कि भारत अब तरक्की करेगा तो हम अभी 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 इसी वीक में हम 4 ट्रिलियन स्टॉक में हम रीच कर गए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बिल्कुल थर्ड पोजीशन पर हम इकोनॉमी में जाएंगे और जितने भी हमारी योजनाएं आ रही हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उससे हम थर्ड में नहीं, हम सेकंड पर चले जाएंगे। तो अभी आपका एक बहुत अहम सवाल था कि 25 सीटें खाली रह जाएंगी या वो होंगी। पीओके से बहुत सुकून से, बहुत शांति से 25 उम्मीदवार आएंगे, नॉमिनेशन भरेंगे, भारत के संविधान का ओथ लेंगे और असेंबली में बैठेंगे, ये गारंटी मैं आपको दे। हमें कोई खून बहाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई वॉर करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी तरक्की और जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की ही पीओके पूरा का पूरा, पीओके का हर एक नागरिक उठ करके भारत के प्रधानमंत्री को समर्थन करेगा। लेकिन ऐसे बयानात पाकिस्तान को उकसाने वाली बात आपको नहीं लगती कि दोबारा से उकसाया जा रहा है कि चलो जंग की तरफ चलो? रिसेंटली आपके एक आर्मी चीफ ने कहा था कि एक हदीस पढ़ करके सुनाया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जंजीरों से बांध करके लेकर के आएंगे, काफी वायरल हो रही है वो स्पीच। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कुरान नाजिल होते वक्त अल्लाह को पता था कि हिंदुस्तान बनने वाला है, भारत बनने वाला है, व्हाट्सएप आने वाला है, यूट्यूब आने वाला है। ये तो मैं नया नया आप लोगों से सुनती हूँ कि खुदा को पता था कुरान नाजिल करते वक्त। तो वो क्या उकसाने वाली बात नहीं थी जो आपके आर्मी चीफ ने बोला है लोगों की भीड़ में रह करके कि मेरे प्रधानमंत्री आसिम मुनीर साहब को कंसीडर करेंगे ना आर्मी चीफ, ये जो बयानात आ रहे इसके मुझे मैं आपसे इंशाल्लाह ये पूछना चाहती हूँ कि उनको भीड़ में बोलने की क्या जरूरत थी? अरे 6-7 दिन पहले तो दुबई में आपके काकड़ कड़कड़ा ही रहे थे पीछे वॉचमैन की तरह, और आगे देखिए कितना डिसअपॉइंट। जंजीर से ताकत अगर थी तो पीछे वॉचमैन की तरह क्यों खड़ा था काकड़? इग्नोर किया सब सारी दुनिया ने। तो ये सब हवाबाजी, जो हवाबाजी होती है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से होती है। हम तो सिर्फ अपनी तरक्की दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी तरक्की बता रहे हैं। आप क्यों उत्तेजित हो रही हैं? आप पूरा पाकिस्तान क्यों उत्तेजित हो रहा है? हम तो कोई वॉर नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे भारत के स्ट्रेटेजी में तो अब ये चीज 9 साल से है ही नहीं कि हम वॉर करेंगे या हम खून बहाएंगे या हम यलगार करेंगे और हम ये करेंगे। जिहाद करना तो आपका काम है, जिहाद करना तो आपका काम है। पाकिस्तान ने इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उनका लोगों का गला कतरना मुसलमान का काम है। लोग जिहाद करके लोगों के खून की नदियां बहाना इस्लाम का काम है। आप इस्लामिक देश में बैठी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब मुसलमानों को भारत से इतनी प्रॉब्लम है, जब मुसलमानों को वेस्टर्न कंट्रीज से इतनी प्रॉब्लम है, वेस्ट माहौल से इतनी प्रॉब्लम है, तो भाई भारत में जो मुसलमान जिनको भारत से प्रॉब्लम है वो चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। हर रोज आपके पाकिस्तान की महिलाएं हमारे भारत में आ रही हैं, ये क्या बात है भाई? छोड़ दीजिए ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम तो संविधान से चलेंगे भाई, हम संविधान से चलेंगे। जिनको वेस्टर्न कल्चर से प्रॉब्लम है, अभी आपको बोल दिया जाए तो आप भी कहिएगा मैंने तो अमेरिका जाना है, आप भी कह दीजिएगा। क्यों जाते हो आप अमेरिका? क्यों जाते हो आप सिडनी? क्यों जाते हो आप मॉरिशियस? क्यों जाते हो आप फ्रांस? क्यों जाते हो आप यूरोप? मत जाओ ना, आप जाओ दुबई, आप जाओ ईरान, आप जाओ खतर, आप जाओ सऊदीया, आप क्यों जाते हो? आप मुस्लिम ममालिक में जाओ। आपको वेस्टर्न कल्चर भी नहीं पसंद है, आपको भारत का संविधान भी नहीं पसंद है, आपको हिंदू भी नहीं पसंद है, आप उसको काफिर भी बोलोगे और हिंदुओं के कलेजे पे चढ़ के ही दाल मुंगोगे। हिंदू बहुत टॉलरेंस है, इसी वजह से आज भी भारत के मुसलमान हिंदुओं को गालियां देते हैं और वो बर्दाश्त करते हैं। अगर मेरे जैसा 2-4 हिंदू होता ना भारत में, तो मैं भी गुस्ताख रसूल की सजा को कन्वर्ट करके अपमान राम की सजा कर देती, अगर मैं हिंदू होती तो।
नहीं, तमाम रिलीजन की ये बात बिल्कुल आपने सही की कि तमाम रिलीजन को रिस्पेक्ट करने चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक आखिरी सवाल आपके सामने ये रखूंगी कि 2024 में जैसे कि एक वाजिया तौर पे रिजल्ट आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी दफा इंडिया के अंदर अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हमारे यहाँ भी इलेक्शंस की बात की जा रही है, तो दोबारा से जब कश्मीर का मुद्दा जा रहा है, वहां की न्यूज यहाँ पर चलती है, यहाँ की वहां पर चलती है, मीडिया तो आपको पता है कनेक्ट है ही है। तो क्या ये जो आने वाले जो 5 साल है, क्या ये भी वो दुश्मनी कश्मीर के नाम पर निभाते गुजर जाएंगे या फिर कोई टेबल टॉक होगी? देखिए, ये तो पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं जो अपने आंख से देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने योजना निकाला वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, जिससे कश्मीर कश्मीर से लेकर के पूरे भारत को भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान के लोग फाका कशी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कैमरा के, आपने तो कई लोगों का आपने भी इंटरव्यू किया है जो रो रहे हैं कि आटा इतना महंगा है, हम अपने परिवार को रोटी तक नहीं खिला पाते हैं। तो आप सोचो कि भारत का एक भी व्यक्ति विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हर एक व्यक्ति वो पेट भर करके अपने 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 पेट को भर के अपने परिवार के पेट को भरा करके वो सोता है। 81.5 करोड़ फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय बाय भारत प्राइम मिनिस्टर इन एंटायर 81.5 करोड़। तो ये हम खाना दे रहे हैं, हम छत दे रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, हम योजनाएं दे रहे हैं, हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम पढ़ने के लिए फ्रीडम दे रहे हैं, साथ साथ पढ़ने के लिए हम पैसे से भी मदद कर रहे हैं, हम सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। अब ये चीजें अगर अट्रैक्ट कर रही हैं पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीरियों को, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और आप जो टेबल टॉक की बात कर रही हैं, टेबल टॉक तब होता जब पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जाकर के पाकिस्तान के काकड़ को कड़कड़ा कर ये कहते कि हम जाना नहीं चाह रहे हैं, हमको भारत ले जा रहा है। पर बात तो ऐसी नहीं है ना, बात तो ऐसी नहीं है। पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, खुद वो आना चाह रहे हैं, खुद हमसे जुड़ करके अटैच हो जाना चाह रहे हैं। आपने मुझसे सीधा और साफ सजल सवाल पूछा था कि टेबल टॉक होगा होगा क्या? हाँ, तो टेबल इलीगल है। तो फिर आपको सबसे पहले तो ये अर्जी डालनी चाहिए थी ना कि हम अब तक पीओके क्यों कह रहे हैं, आपने यूएन को क्यों नहीं बताया, आपके फॉरेन मिनिस्टर बिल्लो रानी ने यूएन को क्यों क्यों नहीं बोला, ये शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? फेल हो गए ना बहुत बुरी तरह से। यूएन के अंदर हमारा केस हमेशा से कमजोर रहा है, ये हमारी बदकिस्मती रही है, ये फैक्ट है। हाँ, आपके बिल्लो रानी ने खड़े होकर के यूएन में ये बात कही कि वो फेल हो चुके हैं पीओके के बारे में अपने वक्तव्य को अपने रखने में और यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट को कन्विंस करने में। तो हम केस कब हारते हैं? जब हमारे पास वैलिड प्रूफ नहीं होते हैं, सिर्फ हवाबाजी होती है। तो आप पीओके क्यों हार रहे हैं? क्योंकि आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है, आपके पास सिर्फ हवाबाजी है। टेबल टॉक शैला तब होता जब पीओके के लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जाकर के ये कहते कि हम नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्यों अमित शाह जी ने 24 सीटों का बात कह दिया है, लेकिन वो तो जुड़ना चाहते हैं, वो तो हमारे साथ आना चाहते हैं, वो तो हमारे रहना चाहते हैं। तो टेबल टॉक का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप यूएन में पिछले 76 साल में आप अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए, आप ये नहीं कन्विंस कर पाए यूएन को कि आपने पाकिस्तान जीता है, आप नहीं बता पाए कि आपने किससे जीता है, आप तो फेल है। आपने आपने पाकिस्तान घी के कटोरे में लिया है और यही तय है। तो टू नेशन थ्योरी थी ना, वो तो देखिए टू नेशन थ्योरी को बुनियाद बना के, जो कि मैं कहूंगी कि फेलियर है, टू नेशन थ्योरी का भी फेलियर है ये बहुत बड़ा। 77 सालों में ये चीज वादिया रही है। I am Shaila very thankful कि अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की वजह से जितना भी रायता गांधी और नेहरू की वजह से फैलाया गया था
और जितने भी हिंदुओं को उनके अधिकार से वंचित किया गया था